कांदी गांव में बने अस्थाई गौशाला में 35 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। इसीलिए भारत समाचार ने इस गौशाला को मौत की गौशाला कहा है, क्योंकि 35 गायों की मौत कैसे हुई, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आकाशीय बिजली गिरने से इन गायों की मौत हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि पानी भरा हुआ था उसमें करंट उतर गया इसलिए मौत हुई। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी लापरवाही है, ध्यान ये दीजिएगा। और भारत समाचार ने कुछ और लोगों से बात की है तो उनका कहना है कि चारा नहीं मिला गायों को इसलिए उनकी मौत हुई। इसको अभी इसकी गहनता से जांच करवाई जाएगी कि इसे क्या वजह है इसकी हो सकती है, और अभी जो प्रथम दृष्टया जो लोग बता रहे हैं और जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स मौजूद हैं वो इसकी वजह जो आकाशीय बिजली बता रहे हैं। अब ये तो यार पानी में डूबने से हुई या कुछ कहते हैं करंट लगने से हुआ, कुछ कहते हैं चारा नहीं खिलाया गया, कमजोर थी पानी में गिर के मर गई है, यही है। तालाब तो है ही है, देखने को यही लग रहा है, पूरा अगल बगल सब डूबा हुआ है। कितनी गाय मौत हुई है? 35 गैया बता रहे हैं। तो 35 गायों की मौत हुई है प्रयागराज में। ये मौत की गौशाला बहादुरपुर ब्लॉक में आपको मिल जाएगी। गौशाला में 35 से अधिक गायों की मौत हुई है और भानुचंद्र गोस्वामी जो कि जिला अधिकारी है प्रयागराज को, उनको अभी कुछ पता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हेड है और आपको पता नहीं, ये बड़ी हैरानी की बात है। और वो कह रहे हैं कि इस बारे में जांच पड़ताल की जाएगी, कुछ लोगों से बात की जा रही है। अब इस पर उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन अब तक जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं प्रयागराज के जिला अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी। इसके पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण में थे और अब प्रयागराज के जिला अधिकारी हैं और वो जांच पड़ताल कहने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश